हेलो गाइस, मेरा नाम है मौलिक पटेल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीएम वर्सेस हाईरिज के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कंपनी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा फास्ट इनकम देखने को मिल सकती है। अगर आप आरसीएम के अंदर एक साल देते हो तो आपको यहाँ पर कितनी इनकम होगी, और अगर आप हाईरिज के अंदर एक साल देते हो तब जाके आपको कितनी इनकम होगी, पूरा इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं, और एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी अपनी राय दीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आरसीएम के बारे में। अगर आरसीएम के अंदर आप यहाँ से प्रोडक्ट ख़रीदते हो तो आपको थोड़े से यहाँ पर प्रोडक्ट आपको महंगे मिलेंगे। वहीं अगर हाईरिज की बात करें तो हाईरिज के अंदर आपको टोटल सभी सामान आपको मिल जाता है जो मार्केट में अवेलेबल है, और मार्केट के रेट पे ही आपको सामान मिलता है। अगर आरसीएम की बात करें तो आरसीएम के अंदर आपको एमआरपी के ऊपर अप टू 20% तक आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, और हाईरिज के अंदर आपको 3% से लेकर 30% का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। जैसे कि आरसीएम के अगर कुछ प्रोडक्ट की बात करें, जैसे कि कॉमन प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पे देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट है। जैसे कि यहाँ पे मसाले की बात करें तो 50 ग्राम मसाला यहाँ पे 60 रुपया एमआरपी पे यहाँ पे बिक रहा है। उसके बाद में हेयर ऑयल की बात करें तो हेयर ऑयल अगर 150 ml आप लेने जाओगे तो आपको 80 रुपया एमआरपी पे पड़ेगा। उसके बाद में डिश वॉश की बात करें तो 300 ग्राम डिश वॉश आपको 36 रुपये में पड़ता है। वहीं अगर हाई रिच की बात करें तो हाई रिच के अंदर आपको कैसे आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि अगर आप 50 ग्राम का यहाँ पे मसाला लेने जाते हो तो वो मसाला आपको 38 रुपये में पड़ता है। अगर आप यहाँ पे हेयर ऑयल लेते हो तो आपको यहाँ पे 42 रुपये में पड़ता है एमआरपी पे। अगर आप यहाँ पे डिश वॉश लेते हो तो 900 ग्राम डिश वॉश का यहाँ पे 56 रुपया है एमआरपी पे। और दोस्तों, मैंने दोनों प्रोडक्ट की बात की है और दोनों ही प्रोडक्ट मैंने आपको एमआरपी पे बताए हैं, ना कि डिस्काउंट पे। अगर दोनों ही प्रोडक्ट की अगर डिस्काउंट निकाला जाए तो इससे भी सस्ता हो सकता है। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिजनेस प्लान के बारे में, क्योंकि जो भी पैसा आने वाला है वो बिजनेस प्लान से ही आने वाला है। दोस्तों, आरसीएम आपको देती है 3 टाइप की इनकम, जैसे कि परफॉर्मेंस बोनस 10 से लेकर 32% तक, रॉयल्टी इनकम आपको 8% मिलती है, उसके बाद में टेक्निकल बोनस आपको मिलती है 5%। हाई रिच के अंदर भी आपको 3 तरह की इनकम देखने को मिल जाती है, जैसे कि फर्स्ट परचेस इनकम, सेल्फ परचेस इनकम और रीपरचेस इनकम। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं इनकम प्लान डिटेल में। जैसे कि परफॉर्मेंस बोनस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस बोनस आपको कैसे मिलती है, ये आपको मिलती है बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। अगर हम आरसीएम की बिजनेस वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 50% के आसपास में आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। मतलब आप 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदते हो तो आपको 5 रुपये के यहाँ पर आपको बिजनेस वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। तो वैसे ही परफॉर्मेंस बोनस लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने टीम के साथ में 100 बिजनेस वॉल्यूम से लेके अगर 5000 बिजनेस वॉल्यूम के बीच में होते हो तो आप यहाँ पे 10% के हकदार बन जाते हो। और वैसे ही 5000 से लेके 10000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हो तब आप 12% के हकदार बन जाते हो। वैसे 10000 बिजनेस वॉल्यूम से लेके 20000 बिजनेस वॉल्यूम करते हो तब आप 14% के हकदार बन जाते हो। 20000 बिजनेस वॉल्यूम से लेके 40000 बिजनेस वॉल्यूम करते हो तब आप 19% के हकदार बन जाते हो। 40000 बिजनेस वॉल्यूम से लेके 70000 बिजनेस वॉल्यूम करते हो तब 21.5% के हकदार बन जाते हो। 70000 बिजनेस वॉल्यूम से लेके 1,15,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हो 24% के हकदार बन जाते हो। 1,15,000 बिजनेस वॉल्यूम से लेके 1,70,000 का बिजनेस वॉल्यूम करते हो 0.5% के हकदार बन जाते हो। उसके बाद में 1,70,000 बिजनेस वॉल्यूम से लेके 2,00,000 का बिजनेस वॉल्यूम देते हो तब 29% का आप हकदार बन जाते हो। उसके बाद में 2,00,000 बिजनेस वॉल्यूम से लेके 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम करके देते हो तब आप जाके 32% के हकदार बन जाते हो। पर दोस्तों, मैं जो भी इनकम बता रहा हूँ ये डिफरेंस बोनस होती है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर 12% पे हो और आपका नीचे वाला अगर आपको 10% पे है तो आपको उसका माइनस करके आपको 2% दिया जाएगा। उसके बाद में अगर फ्यूचर में अगर आप 32% पे आ जाते हो और आपका डाउनलाइन भी 32% पे आ जाता है तो ये परफॉर्मेंस बोनस ख़त्म हो जाती है और आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलना बंद हो जाता है। पर अगर आपको परफॉर्मेंस बोनस लेनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक और लेग खोलनी पड़ेगी और वहाँ पर आपको डिफरेंस बोनस करके आपको मिलेगा। उसके बाद में वो लेग पर भी अगर आप 32% पे आ जाते हो और आपका डाउनलाइन भी 32% पे आ जाता है तो उसके बाद में वापस से आपको एक और लेग खोलनी पड़ेगी। वैसे करके आपको लेग खोलते ही जाना है, खोलते ही जाना है।
आप दोस्तों यहाँ पे कितने भी लेग खोल लो पर परफॉर्मेंस बोनस आपको यहाँ पे माइनस होने ही वाली है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरी इनकम के बारे में, जो है रॉयल्टी बोनस। रॉयल्टी बोनस दोस्तों कंपनी दे रही है 8%, पर आपको ये 8% आपको कैसे मिलता है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके जो बड़ी लेग चल रही है उसके अंदर आपको 3,50,000 का आपको यहाँ पे बिजनेस देना होगा, और आपकी छोटी लेग से कम 1,15,000 का आपको बिजनेस देना होगा, तब जाके आप 3% रॉयल्टी के आप हकदार बन जाते हो। उसके बाद में सेकंड लेवल की बात करते हैं तो आपको 3,50,000 आपके बड़ी लेग से होना चाहिए और छोटी लेग से आपका 1,70,000 आपका बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, तब जाके आप 4.5% के हकदार बन जाते हो। उसके बाद में अगर बात करें तो 3,50,000 बड़ी लेग से अगर आपका बिजनेस होता है और 2,60,000 अगर आपके छोटी लेग से बिजनेस होता है, तब जाके आप 6% के आप रॉयल्टी के हकदार बन जाते हो। और उसके बाद की अगर बात करें तो 3,50,000 लेफ्ट में और 3,50,000 अगर राइट में आप अगर करके देते हो, तब जाके आप यहाँ पर 8% के हकदार बन जाते हो। और ये रॉयल्टी लेने के लिए अब यहाँ पे आपको कंडीशन क्या है कि आपको सेल्फ अपनी आईडी पे यहाँ पे कम से कम 1500 बिजनेस वॉल्यूम का आपको सामान परचेस करना होगा, तब जाके आपको यहाँ पे रॉयल्टी मिलेगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्निकल बोनस के बारे में। पर दोस्तों टेक्निकल बोनस लेने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। टेक्निकल बोनस दोस्तों आपको मिलती है 5% तक। तो टेक्निकल बोनस लेने के लिए आपको सबसे पहले तो अपनी आईडी पे हर महीने यहाँ पे 1500 बिजनेस वॉल्यूम करने होंगे, और दोस्तों 3 महीने तक आपको रॉयल्टी यहाँ पे मेंटेन करनी होगी 8% की। जैसे कि 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम राइट में आपको 3 महीने मेंटेन करना होगा, तब जाके दोस्तों यहाँ पे आपको टेक्निकल बोनस आपको मिलती है। पर दोस्तों टेक्निकल बोनस आखिरकार आपको मिलती कैसे है, जैसे कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम राइट में करते हो, तब जाके आपको 1% की यहाँ पे टेक्निकल बोनस मिलती है। उसके बाद में 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम राइट में करते हो, तब जाके आपको 1.75% की यहाँ पे आपको टेक्निकल बोनस देखने को मिलती है। उसके बाद में 22 लाख बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 22 लाख बिजनेस वॉल्यूम राइट में करते हो, तब जाके आपको 2.50% की यहाँ पे टेक्निकल बोनस देखने को मिलती है। उसके बाद में 48 लाख लेफ्ट में और 48 लाख बिजनेस वॉल्यूम राइट में करते हो, तब जाके आपको 3% की टेक्निकल बोनस देखने को मिलती है। उसके बाद में 1 करोड़ लेफ्ट में और 1 करोड़ राइट में आप बिजनेस देते हो, तब जाके आपको यहाँ पे 3.50% की यहाँ पे आपको टेक्निकल बोनस देखने को मिलती है। उसके बाद में 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम आप राइट में करते हो, 4% टेक्निकल बोनस देखने को मिलती है। उसके बाद में 5 करोड़ लेफ्ट में और 5 करोड़ राइट में करते हो, 4.75% आपको इनकम देखने को मिलती है। उसके बाद में 25 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 25 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम राइट में अगर आप देते हो, तब जाके आप टेक्निकल बोनस 5% तक आप पहुँचते हो। दोस्तों मैं ये जितने भी इनकम आपको बताई, ये इनकम को लेने के लिए मैंने आपको जो जो कंडीशन बताई वो कंडीशन यहाँ पर आपको पूरी करनी ही होती है। अगर आप यहाँ पर कंडीशन पूरी नहीं करते तो आपको यहाँ पर इनकम भी नहीं मिलती। तो देखा दोस्तों आपको यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस बोनस अगर आप अलग से निकाल दो तो रॉयल्टी बोनस की बात करें या फिर टेक्निकल बोनस की बात करें तो दोनों को मिला के आपको यहाँ पे 13% ही बट रहा है। मतलब आप यहाँ पे जितना भी बिजनेस करके देते हो उससे तो आपको बहुत ही कम यहाँ पे पैसा मिल रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं हाई रिच के बारे में कि हाई रिच में आपको किस तरह से आपको इनकम देखने को मिल जाती है। तो अगर पहली इनकम की बात करें तो पहली इनकम थी सेल्फ परचेस इनकम। तो आपको ये इनकम कैसे मिलती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये के यहाँ पे सामान खरीदा तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट तो मिल ही जाता, पर डिस्काउंट के साथ साथ में वहाँ पे आपको SIP पॉइंट करके भी आपको मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको 100 SIP पॉइंट अगर आपके बन जाते हैं तो उसका 30% आप यहाँ से अलग से निकाल लो तो उसका 30% यहाँ पर होता है 30 रुपया। तो आपको यहाँ पर 30 रुपये आपकी यहाँ पर अर्निंग हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट परचेस इनकम के बारे में। तो फर्स्ट परचेस इनकम यहाँ पे क्या होती है, बाइनरी होती है दोस्तों। तो ये बाइनरी इनकम आपको लेने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर एक बंदा लेफ्ट और एक बंदा अगर आप राइट लाते हो तो उसका एक पेयर मैच हो जाता है और आपको यहाँ पे 200 रुपये मिल जाता है। और वैसे ही 25 बंदे लेफ्ट और 25 बंदे राइट जब भी आते हैं तब आपकी यहाँ पर रोज की कैपिंग यहाँ पर कितनी हो जाती, 5,000 की हो जाती है, और आप यहाँ पर महीने के 1.5 लाख रुपये तक कमा सकते हो। उसके बाद में बात करके आपको ऐसा लग रहा है कि 1.5 लाख रुपये बहुत कम है, तो कंपनी ने यहाँ पे एक और ऑप्शन देके रखा है। वो ऑप्शन क्या है दोस्तों कि आप एक ही पैन कार्ड से आप 3 ID बना सकते हो। तो जैसे कि फर्स्ट वाली ID आपकी होगी और सेकंड और थर्ड में भी आपकी ID होगी। जैसे कि मान लीजिए कि लेफ्ट और राइट में आपने जितना भी बिजनेस किया
और जितना भी बिजनेस काउंट होके आपको ऊपर आपकी टॉप वाली आईडी पे आपको मिल जाता है, पर आपकी लेफ्ट और राइट वाली आईडी पे जो भी बिजनेस हुआ है वो भी कैरी फॉरवर्ड रहता है। अगर इन फ्यूचर अगर बात कर लो कि आपके 5,000 की कैपिंग अगर आप दिन की अगर लगा देते हो, तो उसके बाद में आपको एक ही यहाँ पर लेग खोलनी है, और एक ही लेग खोलने के बाद में एक साइड का आपको बिजनेस पहले से हुआ रहेगा और एक ही साइड में आपको बिजनेस करना है, जिससे कि आपकी 5,000 की कैपिंग बहुत जल्द लग जाएगी। उसके बाद में आप तीसरी आईडी पे भी 5,000 की कैपिंग लगा सकते हो। वैसे कर करके दोस्तों आप यहाँ पे हर दिन 15,000 रुपये कमा सकते हो। अगर महीने की बात करें तो आप यहाँ पे 4.5 लाख रुपये तक कमा सकते हो। चलिए दोस्तों अब हाई रेंज के तीसरी इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो तीसरी इनकम आपको मिलती कैसे है, तो आप जितने भी खरीदारी करते हो अपनी टीम के साथ या फिर आप खुद भी करते हो, तो उसके आपको यहाँ पे आपको एसआईपी पॉइंट मिलते हैं। तो एसआईपी पॉइंट की आपको यहाँ पे 18 लेवल तक आपको यहाँ पे इनकम देखने को मिल जाती है। मतलब आप जितने भी यहाँ पे स्पॉन्सर करते हो, 1, 2, 10, 15, 20, 25 आप जितने भी यहाँ पे स्पॉन्सर करते हो, वो सबसे आपको 18 लेवल की आपको इनकम देखने को मिल जाती है। मतलब अगर बात करें तो बाइनरी से आप भी अच्छा खासा यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो, साथ साथ में जनरेशन में भी आप बहुत अच्छा यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। अगर आप आरसीएम के अंदर आप 3 साल यहाँ पे लगाओगे तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी, और अगर आप हाई रेंज के अंदर अगर आप 1 साल देते हो तो आपको तुरंत ही यहाँ पे सक्सेस मिल जाती है। अगर आपको आरसीएम के अंदर अगर आपको पैसे कमाना है तो आपको बहुत सारे यहाँ पे लेवल है वो आपको क्रॉस करने होंगे, तब जाके आपको पैसा मिलता है। पर हाई रेंज के अंदर दोस्तों ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं। आरसीएम के अंदर दोस्तों अगर आपको पैसा कमाना है तो आप धीरे 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 करके पैसा कमाओगे, पर हाई रेंज के अंदर दोस्तों आप बहुत ही फास्ट पैसा कमा सकते हो। अगर आरसीएम के अंदर अगर कोई भी बंदा आता है और वो अगर यहाँ पे काम करता है तो 3 या 4 महीने में नेगेटिव होकर यहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि बिजनेस प्लान जितना यहाँ पे आसान दिखाया था वो उससे भी ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल है। पर हाई रेंज के अंदर दोस्तों अगर वो बंदा 3 या 4 महीने यहाँ पे टिक के काम कर लेता है तो वो यहाँ से बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकता है, और वो जल्द से जल्द यहाँ से पैसा कमाना शुरू कर देता है। आरसीएम के बिजनेस प्लान की बात करें तो आरसीएम का बिजनेस प्लान थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, और हाई रेंज के बिजनेस प्लान की बात करें तो हाई रेंज का बिजनेस प्लान एकदम सिंपल है। आरसीएम के अंदर आपको तीनों तरह के इनकम लेने के लिए आपको यहाँ पे लेवल कंप्लीट करने होंगे, जैसे कि रॉयल्टी इनकम लेने के लिए आपको 3.5 लाख का बिजनेस देना होगा, टेक्निकल बोनस लेने के लिए आपको 5 लाख का बिजनेस देना होगा। पर हाई रेंज के अंदर दोस्तों ऐसे कोई कंडीशन रखी ही नहीं है। हाई रेंज के अंदर आप पहले दिन से आप रीपर्चेस इनकम भी ले सकते हो, फर्स्ट परचेस इनकम भी ले सकते हो, और सेल्फ परचेस इनकम भी ले सकते हो। आपको तीनों तरह के दोस्तों यहाँ पे आपको इनकम मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो हमको कॉल ज़रूर करिएगा। आपको यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, या फिर आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो। आपको दोस्तों नीचे और भी लीडरों के आपको यहाँ पे नंबर देखने को मिल जाएंगे जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे है, तो वहाँ पे कॉल करके भी आप अपनी जानकारी ले सकते हो। अगर आपको हाई रेंज का पूरा प्लान देखना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ पे जाके भी आप हाई रेंज का पूरा प्लान देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।